नागरिक सुरक्षा के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी नियंत्रक के विजेंद्र पांडियन ने जिलाधिकारी आवास से मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में कोतवाली, गोरखनाथ व सिविल लाइन डिवीजन के सैकड़ों वार्डन मोटरसाइकिल पर अपने हाथ में तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर मतदाता जागरूकता संबंधित स्लोगन लिखे हुए थे। साथ ही मतदाताओं को 19 मई को वोट देने की अपील स्लोगन के माध्यम से की जा रही थी। वोट दो 19 मई को वोट दो। रैली जिलाधिकारी आवास से विश्वविद्यालय छात्र संघ चौराहा, दाऊदपुर, बेतिहाता, अलादातपुर, रायगंज, घंटाघर सहित शहर के विभिन्न मोहल्लों से होते हुए शास्त्री चौक पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी, उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह, सहायक उप नियंत्रक वेद प्रकाश यादव, डॉक्टर शरद श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, रामकृष्ण मिश्र, महबूब सईद, नैयर आलम, हरि नारायण, विकास जालान, के वी लाल श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी और स्वयंसेवक सम्मिलित हुए। इस संबंध में गौरवपूर्णी संवाददाता से बात करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडे ने कहा, मतदाता जागरूकता के लिए जो सिविल डिफेंस गोरखपुर ने बहुत अच्छा पहल किए, आज तो एक बाइक रैली निकले हैं। इन लोग तो पूरा शहर में जा करके, खासतौर पे कहाँ कहाँ मतदान कम होता है, मतदान परसेंटेज कम होता है, उसी इलाका में इन लोग भ्रमण करेंगे। उसके साथ साथ 19 तारीख का जो चुनाव है, उसी दिन भी वॉलंटियर के रूप से हर जो बूथ में, जो यथासंभव ज़्यादा बूथ, यहाँ तो 86 सेंटर है शहर में, उसी सेंटर में वॉलंटियर के रूप से भी काम करेंगे, ताकि मतदाता बढ़ाने के हम लोग को साथ साथ दे रहे हैं। ये सराहनीय काम है, इसको हम स्वागत करते हैं।